योगियों का प्रेम में बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा का प्रेम में उदाहरण दिया है, कहां भगवान है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। जब राजस्व यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, सबके सब बड़े बड़े सेवा छांट लिए, लेकिन सबसे जो तो घटिया सेवा थी, खाने का बाद ये झूठा पतल कौन उठाएगा और ये ब्राह्मण का चरण कौन धोएगा। कृष्ण कहती वो दो सेवा मैंने ही पहले छांट लिया है, मेरे को पता ये दो सेवा कोई नहीं करेगा, इसलिए पहले से मैं स्थिर कर लिया ये दो सेवा मैं करूंगा। कौन सा सेवा? सबसे जो घटिया सेवा कहते हैं। अभी भगवान जिस समय कृष्ण शांति दूत बनकर गए श्री दुर्योधन के पास में, बोले देखो पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, पांच गांव दो, इसमें खुश हो जाएंगे और तू सब कुछ ले ले। दुर्योधन ने क्या बताया, बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं, और तू पांच गांव की बात मांग रहे। तब वो दुर्योधन पहले से ही वो बढ़िया बढ़िया खाना बना कर रखा था, बोले कृष्ण को खिला पिला करके ना अपना तरफ से कर लूंगा। बोले कृष्ण पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो तीन जगह में खाना खाई जाती है। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले मित्र का घर, हाँ मित्र घर में। बोले क्या मैं मित्र नहीं? बोले तुम मेरे मित्र नहीं। बोले क्यों? बोले पांडव मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों का जो मित्र वो तो मेरे मित्र है, और मेरे भक्तों का जो शत्रु वो मेरे शत्रु है, तुम मेरे मित्र नहीं तुम शत्रु है। दूसरी जगह पर अगर भूख लगे तभी कोई खाना खाते हैं। बोले मैं स्वयं आत्माराम और आपका हूँ, जिसको वेद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण है, मेरे को तो भूख है ही नहीं, मैं तो भक्तों का प्रेम केवल भजन करता हूँ। हैं फिर भगवान तीसरी जगह पर, बोले जिस काम के लिए आए हो अगर वो काम बन जाए तभी हम खाना खा लेते, हम जिस काम के लिए आए भैया काम बनेगा तो खाना खा लो। बोले कहाँ खाओगे? बोले जहाँ इच्छा खा ही लूंगा। इसलिए दुर्योधन के मेवा त्यागे, बोले साग विदुर घर का। जब भगवान विदुर जी को घर में गए उसमें विदुर थे नहीं, विदुरानी थी। बोले भगवान मेरे घर में ठाकुर जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ भगवान को कहाँ बैठा है, कैसे आदर करें। किसी तरह से भगवान को बैठा है आप, तो घर में केले हैं और केले ला कर क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को छिलका खिला रहे हैं और केले को फेंक रहे थे। इतने में विदुर जी आए, बोले पागल तुम कर रहे हो क्या, भगवान को तुम केले का छिलका खिला रहे हो? वो तो बाबरी बनकर खिला रही थी, उनको होश नहीं थी भगवान खा रहे थे। जब उन्होंने केला खिलाना शुरू की ना, बोले विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ और केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम की भोजन करने वाला हूँ। पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना, अभी केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है। भगवान कैसे खाए? केवल भगवान प्रेम का वशीभूत होकर खाना खाए। हैं तीसरा उदाहरण देते हैं, भगवान महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी का काम किया करो, घोड़ा थक जाए तो उनको दाना खिलाते हैं, थक जाए तो उनको मालिश करते हैं। भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के बोले गोपियां ने नाच नचाई, बोले कन्हैया तेरे को हम मक्खन खिलाएंगे मिश्री खिलाएंगे, थोड़ा नाच करके दिखाओगे। कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके नाचना शुरू कर देते हैं। और भगवान जिस समय रामचंद्र गए सबरी के पास में, सबरी क्या कर रही थी, पहले तो झूठा बेर खा रही थी, स्वयं टेस्ट कर रही थी वो खट्टा ना मीठा है, और खट्टे को तो फेंक रही थी और मीठा बेर को खिला रही थी। बोले बहु विध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उन्होंने जो सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है, कहते नृप सेवा के लिए, कहते दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई, इसका रोज काम था कि दुर्योधन का शरीर में तेल लगाना और उसको स्नान कराना। लेकिन वो हरनाई वो बड़ा कृष्ण भक्त था, अगर कोई भक्त घर में आ जाए पहले उनको सेवा करता था। वो जिस समय दुर्योधन की सेवा में जाएगा उसी समय कुछ साधु घर में आ गए, वो तो दुविधा में पड़ेगी। अगर संत सेवा करता हूं उसका सेवा छूटेगी, अगर उसको सेवा करता हूं संत सेवा छूटेगा। बोले ये दुष्टों का तो सेवा करते आ रहा हूं, लेकिन इस संतों का सेवा तो सहज में मिलता नहीं। भगवान कहते इनके हृदय में मैं रहता हूं, आज तो हम संत सेवा करेंगे। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भोजन बना करके संतों को खिलाए। अभी ठाकुर की चिंता लग गई, ये दुर्योधन दुष्ट है, अगर ये टाइम में नहीं पहुंचा तो हो सकता है इसकी नौकरी से ये निकाल देगा।
नहीं तो दंड देगा। इतने में कृष्ण स्वयं ही हरनाई का रूप धारण करिए और पहुंच गए दुर्योधन के पास में और उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिए। कौन तेल लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान का हाथ स्पर्श होते ही उसकी रोम रोम खिल रही थी, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा था। बोले आज तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या? तू तो शरीर पर हाथ लगा दी, पता नहीं मेरे इतने आनंद क्यों आ रहा है। कि तो वो कौन थे? वो सच्चिदानंद रूपाय स्वयं आनंद गंध कृष्ण थे। वो इतने प्रसन्न हो गया, बोले जीवन में इतना आनंद मुझे कभी नहीं मिला। उसकी गले में जो बड़ी कीमती हार थी निकाल करके हरनाई कृष्ण को गला में पहना दिया। पहना तो कृष्ण को गला में, लेकिन हार आ गया हरनाई के गला में। उसने सारे भक्तों की सेवा फेवा करके वो जब पहुंचा, सोच रहा था पता नहीं ये दुष्ट क्या दंड देगा, जाकर के चरण पर गिर पड़ा। बोले घर में कुछ साधु लोग आ गए थे इसलिए मैं टाइम में नहीं आ पाया, माफ कर देना। बोले क्यों? आज तुमने इतने मेरी सेवा की, इतने मेरी सेवा की, जीवन में इतना आनंद कभी मेरे को मिला नहीं, इतना आनंद मेरे को मिला। ये क्या बोल रहा है? आनंद मिला? मैं तो आया ही नहीं। बोले तेरे को तो इसलिए मैं इतनी कीमती हार दी। बोले नहीं नहीं मैं आ नहीं पाया, लेकिन उसको पता नहीं। बोले मैं हारे, पहना है तो कृष्ण को, लेकिन वो हार आ गया इसके गला में। इतने में दुर्योधन ने कहा, ओ तेरे को इतने कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तू ऐंट रहे हो। उसको गले में हार को पकड़कर उसने छीन लिया। जब छीन लिया, बोले भैया मेरे गले में हार कहां से आ गई? वो तो भगत है ना। बोले ओ आज घर में साधु लोग आए थे ना, आज हम उनकी सेवा कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए और ये दुष्ट की सेवा करते हुए गए। इसलिए ये भगवान को हार पहनाया भगवान को, लेकिन वो हार आ गई मेरी गला में। उसने कहा आज से इसकी और सेवा मैत्री हमें नहीं करना, क्योंकि ठाकुर मेरे वजह से दुष्ट की मेरे की सेवा करने पड़ा। इसलिए यहाँ पर श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मतलब है भगवान प्रेम के द्वारा जितने वशीभूत होते हैं, भगवान और किसी के द्वारा इतने वशीभूत तो नहीं होते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ इधर देखो, मेरे तरफ में देखो ना। देखो ये हमारे जो बैठे हैं ना, ये हमारे बड़े गुरु जी है। ये पहले बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। देखो उनके क्यों घर छोड़े हैं, इनकी कथा सुन लो। ये बड़े पुलिस ऑफिसर थे, ये बक्सर के रहने वाले, बिहार का जो बक्सर है वहाँ के ये रहने वाले। वो तिवारी उच्च ब्राह्मण घर में ही जन्म हुए। इन्होंने क्यों ये नौकरी छोड़ी, इनकी कथा सुनो। ये हमारे जो गुरु जी थे वो बड़े प्रभु के बड़े भगत थे, हैं ये राम के बड़े भगत थे, बड़ी भक्ति करते थे। अगर कहीं उनको पता चले ना कहीं सत्संग हो रही है, ये अपना नौकरी छोड़ करके भी ये चले जाते थे सत्संग में। एक समय कोई एक बहुत बड़े साधु आए बक्सर में और उनको पता चला तो वो उनकी ड्यूटी थी, लेकिन वो ड्यूटी छोड़ करके चले गए कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए गए, इनके जो बड़ा ऑफिसर था पुलिस ऑफिसर, वो देखने के लिए आया ये लोग ड्यूटी सही सही कर रहे कि नहीं कर रहे। जब उन्होंने आए, इतने में ये तो गए हुए थे सत्संग में कथा सुनने के लिए गए थे, अभी ठाकुर जी को चिंता लग गई, ये तो ड्यूटी में है ही नहीं, ये तो गया कथा सुनने के लिए। कृष्ण स्वयं इनकी रूप धारण करते हैं ड्यूटी, कृष्ण स्वयं। और वो जो बड़ा पुलिस ऑफिसर दूर से देख रहा था ये कैसे ये ड्यूटी को कैसे निभा रहा है। कृष्ण इतने सुंदर ड्यूटी कर रहे थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, बड़े तत्पर से सिंसियर बनकर के भगवान ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ भागना, यहाँ भागना, वो दूर से जब उसने इसको देखा, बोले वाह ये तो बड़े अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। इसको कल इसको इसका जो पोस्ट है ना, थोड़ी इसको हम थोड़ा ऊंचा पोस्ट हम दिलाते हैं। वो पुलिस बड़ा ऑफिसर ये सोच कर गया। लेकिन जब हमारे गुरु जी बाद में जब आए, उनको पता चला हमारे ऊपर जो बड़ा पुलिस ऑफिसर आज देखने के लिए आया था, चेकिंग करने के लिए आया था, ड्यूटी देते के लिए, ये तो डर गए, हो ना हो मेरी नौकरी नहीं चली जाए। दूसरे दिन उन्होंने जब पहुंचे, हैं दूसरे दिन जब उन्होंने पहुंचे, पहुंचते जो बड़ा पुलिस ऑफिसर था, बोले आज तुम्हारी जो पोस्ट है हम उसको थोड़ा ऊंचा ही पोस्ट कर देता है। बोले क्यों? बोले कल मैंने देखा
तो बड़े अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहे थे, बड़ी अच्छी तरह से, इसलिए तेरे को पोस्ट थोड़ा हम ऊंचा पोस्ट दे देता हूँ। बोले भैया कल तो मैंने सत्संग में गया हुआ था, मैं तो ड्यूटी में था ही नहीं, मैं तो सत्संग में गया हुआ था, फिर मेरे वहां पर ड्यूटी कौन थी। लेकिन वो सत्संग करते हैं ना, उनको पता है जो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे तरफ में जो एक कदम बढ़ता है मैं उसके तरफ में 10 कदम बढ़ता हूँ। वो तो भक्त थे, उन्होंने उसी दिन से उन्हें नौकरी को त्याग दिया, और उन्हें नौकरी को त्याग देकर उन्होंने आए और हमारे जो उनके जो गुरु जी बड़े गुरु जी थे उनके शरण में आए और इतने उन्होंने प्रचार उन्होंने किया है। ये संपूर्ण विश्व में कम से कम 30 बार लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, उन्होंने 30 बार संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने परिक्रमा की, उन्होंने सारा दुनिया में ये हरिभक्ति प्रचार की। ये हमारे ये गुरु जी की कथा है, इसलिए उन्होंने बड़े नौकरी से छोड़ करके, पुलिस अफिसर थे हैं, छोड़ करके उन्होंने आकर के भक्ति को प्रचार की। इसलिए भगवान की भक्ति करने से भगवान खुद कृष्ण गीता में कहते थे, गीता का श्लोक है, बोले अनन्या चिंतयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो संपूर्ण मेरी भक्ति में डूबा हुआ रहता है उसके लिए मैं 2 काम करता हूँ। बोले क्या 2 काम करते हो? बोले घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, और घर में जो चीज हो मैं एक चौकीदारी बन करके उसकी रखवाली करता हूँ। आप गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने? नाम सुने है ना। एक समय 2 चोर वहां चोरी करने के लिए पहुंचे, उसको छोटी सी एक झोपड़ी थी, उन्होंने देखा 2 सुंदर बालक, एक श्याम रंग के एक गौर रंग मुकुट पहने हुए, सारा शरीर में हीरे जवाहरात से भरे हुए। बोले उनकी जो झोपड़ी की परिक्रमा लगा रहे। चोर ने देखा भैया बड़े सुंदर 2 चेले हैं, शरीर में बड़े सुंदर सुंदर अलंकार, जब ये भी सो जाएगा ना हम सबके सब माल हम चोरी करके ले जाएंगे। लेकिन वो स्वयं राम लक्ष्मण थे स्वयं, लेकिन रात भर उन्होंने पहरादारी लगाई, सोए नहीं। 2 चोर सोच रहे थे सो जाएंगे हम चोरी करके, रात भर सोए नहीं, सवेरे होते 2 चोर भाग गए। लेकिन एक बार तो प्रभु का दर्शन किए, वो भूल नहीं पाए प्रभु को। इतने में फिर सवेरे आए गोस्वामी तुलसीदास के पास में, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी वो सच बात बता दी, बोले कल तुम्हारे घर में चोरी करने आए, हमने देखा तुम्हारे 2 चेले थे, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने करके मुकुट पहने हुए थे, हाथ में धनुष मान तरकस था, वो 2 चले गए कहां? तुलसीदास बोले भैया जिंदगी में हमने कभी चला बनाए नहीं, लेकिन जब उन्होंने स्वरूप की वर्णना की वो तो पता चले गया मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण है। तुलसीदास जी दोनों चोरों के चरण में गिर पड़े। बोले भैया तुमने जिंदगी भर भजन करते करते मैंने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तुम दोनों चोरी करने के लिए आए तो ठाकुर का दर्शन कर लिया। इसलिए भगवान इतने बड़े प्रतिज्ञा ठाकुर जी लेते हैं, इसलिए अगर हम ठाकुर जी की भक्ति करें तो ना भगवान हमारा लिए भी सब कुछ कर सकते हैं। ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे जो भगवान है कद भगवान ने 26 अवतार भागवत में 26 अवतार की कथा दी है। जो भगवान की जो पहला अवतार है ठाकुर जी चतुष्ट रूप में आते हैं, सनक, सनंद, सनातन और सनंद कुमार, और ये चतुष्ट ने जगत में ब्रह्मचर्य को उन्होंने शिक्षा दिया है। जिंदगी भर प्रभु की भक्ति करते करते इनका उम्र हर समय 5 साल से ज्यादा कभी इनकी उम्र कभी होती नहीं, हर समय प्रभु की कथा में डूबे रहते हैं। ठाकुर जी का जो दूसरा अवतार है कभी श्री बराह रूप में आए, जिस समय श्री मनु महाराज जी ये सृष्टि को प्रारंभ करने जा रहे थे लेकिन पृथ्वी थी नहीं, तब ब्रह्मा जी छींके तो उनका नासिका से एक मच्छड़ जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, वो भगवान बराह देव थे। उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने उद्धार करते हुए अपना धुरी पर स्थापन की, फिर मनु महाराज ने सृष्टि का उन्होंने प्रारंभ किए। ये भगवान की ये दूसरा अवतार है। जो तीसरा अवतार कद श्री नारद जी के रूप में आते हैं, कद विशेष करके नारद जी के 4 चेले हुए हैं, बोले 2 बालक हुए और 2 वृद्ध हुए।
बोले दो बालव कौन हुए, बोले एक ध्रुव और एक प्रहलाद। इनकी कथा हम आगे सुनेंगे, जिन्होंने केवल 5 साल उम्र में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। और इनकी दो वृद्धा चले हुए, एक हुए वाल्मीकि। आप इनका नाम जानते हो, पहले ये दशरथ ना करते, इनने इतने डाकू डाले, इतने हत्या की, इतने उन्होंने चोरी की। जब इसे नारद जी से मिले, बोले बाबा निकालो क्या पास में तेरे, बोले भैया हमारा पास में तो लोटे छोटे लंगूटे और कुछ है नहीं। नारद जी बताए, ये बताओ तू जी ये पाप कर्म करके पैसा कमाते हो, ये पाप को कौन लेगा? बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले देख बेटा, सबके सब सुख का समय तेरे साथ दे रहे, जब दुख आएगा ना सबके अलग होते हुए देखो, कोई साथ देने वाले नहीं। जा पूछ करके आया, पत्नी से पूछा ये जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूँ तू लेगी कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे कुछ पता नहीं। पिता माता से पूछे, बोले तेरे को जन्म दिया ना, पढ़ाया लिखा है, इतना बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाई ये हमें पता, तू कैसे कमा रहे हमें पता नहीं। बच्चों से पूछे, बोले तुम लोगों के नहीं, बोले क्यों लेंगे, आपका कर्तव्य है हमको खिला पिला करके बड़ा बनाना, जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे हमने पैसा कैसे कमाया, हम कोई नहीं लेंगे। बोले बाबा तो सही बता रहे थे। वापस आया, चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, ये तो सबके सब सुख में साथ दे रहे हैं, हम सबको अच्छे तरह से पूछ लिया, कोई भी साथ में देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे। बोले बेटा आप सही बता रहे हैं। बोले बताओ अभी इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं तो सोच रहा था पूरा परिवार हमारे साथ दे रहे हैं, बताओ हमारी मुक्ति कैसे होगी? बोले बेटा भगवान का नाम से तुम्हारी मुक्ति होगी। बोले राम, आप लोग बोले राम, बोलो राम, राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला है, ठाकुर जी की नाम उसको मुंह से नहीं निकला, क्योंकि जो पापी होते हैं ना देखना दिन भर तो टट्टर टट्टर करते रहेंगे, लेकिन बोलो थोड़ा भगवान का नाम लेने के लिए उसका मुंह से भगवान की नाम नहीं निकलता है, है? इसलिए जो करोड़ों करोड़ जन्मों की पुण्य हो तब भी भगवान के नाम मुंह से कहीं निकलती है। देखो हमारे गुरु जी एक समय किसी हॉस्पिटल में गए, उनको एक माता जी अंतिम सज्जा में लेट हुई थी, बड़ा कष्ट उठा रही थी, गुरु जी को लेकर गए, उसको बोले थोड़ी भगवान का नाम जप कर, बेटे भी समझा रहे मैया थोड़ी सी राम राम राधे राधे बोल, हैं वो बोल रही थी, बेटी को देख लेना हर साल में कुछ ना कुछ देते रहना, बेटे लोगों को देख, दुनिया की बात कर रही थी, सारा दुनिया की बात कर रही थी। इतने में उसको बच्चों ने कहा मैया थोड़ा राम राम राधे राधे बोल दो ना, बोले इतने मेरे से बोला नहीं जाता। बोले कितना मेरे से, उनका जो पोते थे बड़े चतुर थे, बोले किसी तरह से दादी के मुंह से तो थोड़ा नाम निकले, बोले दादी तेरे मुंह से क्या नहीं निकला जाता है, वो सोच रहे थे, बोले राम राम राधे राधे, बोले तू जो बुलवाना चाहते मैं वही नहीं बोल सकती और सारा दुनिया की बात नहीं कर सकती। हाँ, इसलिए जब उसको बोले तू राम मुंह से बोल, बोले उसका मुंह से राम ही नहीं निकली, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मनवा। आप लोग टीवी में देखे होंगे वाल्मीकि राम आने से पहले लव कुश ने रामायण पढ़ाया, इतने विद्वान बने क्यों? बोले भगवान के उल्टा नाम जप करते करते, हैं उल्टा नाम जप करते करते। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे खेती में देखना, जैसे गेहूं धान होता है ना, आप खेती में क्या करते हो उसको फेंकते हो, लेकिन भले ही वो गेहूं धान उल्टा गिरे नहीं तो सीधा किसी तरह से गिरे, लेकिन जब पेड़ निकलता है कैसे निकलता है? सीधा निकलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगर किसी तरह से भी हम भगवान के नाम जप करेंगे ना तब भी हमारी कल्याण कल्याण है। इसलिए उन्होंने ये एक हुए वाल्मीकि नारद जी के चले हुए जिन्होंने ये रामायण ग्रंथ लिखे, अभी जिस ग्रंथ को हम सुनते हैं। और इनके दूसरे चले हुए बोले कौन हुए? बोले श्री व्यास देव हुए, जिन्होंने ये श्री भागवत ग्रंथ लिखे, हम आगे कथा सुनेंगे। इसलिए इनके जो 4 चेले हुए ना, ऐसे चेले इनके हुए
सारा दुनिया में नारद जी के नाम उन्होंने प्रचार कर दिया है। कहते भगवान की जो चौथा अवतार है, कहते श्री नारायण नारायण जिस रूप में ठाकुर जी ये बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या करते हैं? तपस्या तो जीव करते हैं ना, पर भगवान क्यों तपस्या करते, इसका कारण बताए। बोले एक समय श्री नारद जी ये मरते जगत में आए और सबको पास में गए, सबको पास में जा जाकर के सबसे पूछे सब ठीक ठाक हो ना, ऊपर से सबके सब तो ठीक ठाक है बोले, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछे ना, देखा ये दुनिया में कोई भी ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी किसी को देखा नहीं संसार में सुखी। इतने में श्री नारद जी वैकुंठ में गए, वहां पर देखा ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किया हुई है, माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा कर रही है। नारद जी ने कहा प्रभु आपका जगत का मालिक है ना, आप जो करोगे तो लोग आपसे ही सीखेंगे। बोले नारद जी क्या बताना चाहते हो? बोले प्रभु जब तक जीव तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा तब तक मैं सुखी नहीं रह सकता, लेकिन आपसे तो सब सीखेंगे ना। बोले क्या बताना, सीधा सीधा बताओ। बोले आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए हो, दुनिया सोचेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए। बोले बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले आप अगर भक्ति करेंगे ना फिर जीव आपसे भी सीखेंगे। भैया जो भगवान भक्ति करते हैं हमें भी भक्ति करनी चाहिए। भगवान बोले ठीक है मैं जाता हूँ भक्ति करने के लिए, लेकिन कोई बढ़िया जगह हो। भगवान भ्रमण करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे। आप लोग बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए? बहुत अब कितना बढ़िया स्थान है, जहां पर अलका नदी बह रही है, सरस्वती जहां प्रकट हुई है, कितने सुंदर झरना है, कितने सुंदर मनोरम स्थान। वहां पर भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बोले यहीं पर बैठ करके भजन करूं। लेकिन वो पहले शंकर जी भजन करते थे, शंकर जी का स्थान था वहां पर। तप्त कुंड देखे होंगे, तप्त कुंड है, इसलिए वहां पर तप्त कुंड में। इतने में ठाकुर जी ने देखा क्या किया जाए। इतने में जब शंकर पार्वती आ रहे थे तप्त कुंड में नहाने के लिए, ठाकुर जी छोटे बालक बन करके बर्फ के ऊपर में पड़ करके रोना शुरू कर दिया। शंकर जी सामने सामने जा रहे थे, पार्वती पीछे पीछे जा रही थी। शंकर जी समझ गए दाल गुरु काला है, पीछे पीछे माँ आ रही थी। माँ का हृदय तो बड़ा ममता आ रही थी, छोटा बच्चे को देखकर गोद में ले लिया, बड़ा सुंदर बालक। बोले प्रभु आपको ये छोटा बच्चा दिखाई नहीं? बोले पार्वती लगता है दाल गुरु काला है। बोले छोटा बच्चा रो रहा है, कोई है नहीं, ये बच्चे को मैं घर में सुला करके आती हूँ। भैया गई सुला करके वापस आई, जब स्नान करके आए ना वो स्वयं नारायण थे, उनको घर में सुलाया तो अंदर से कुंडी बंद कर दी। जब शंकर जी दरवाजा खटखटाए और ठाकुर जी खोले, बोले पार्वती देख लिया घर में सुलाया तो घर धगलग गया, ध्यान लगाए तो देखा प्रभु जी। बोले प्रभु यही रहो, मैं फिर मैं केदारनाथ जाता, इसलिए शंकर जी ये बद्रीनाथ छोड़ करके प्रभु केदारनाथ में चले गए। इसलिए वहां पर बद्रीनाथ में आप देखे होंगे नर नारायण रूप में भगवान तपस्या करते हैं। बोले तपस्या क्यों करते हैं? बोले कलियुग का जो जीव है वो इतने तपस्या नहीं कर सकता है, भगवान का वरदान है। एक बार कोई बद्रीनाथ में आए और केवल मुझे दर्शन कर ले, मुझे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या करता हूँ, ये तपस्या का जो छठवां भाग का फल केवल मुझे दर्शन मात्र से मिल जाएगा, इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है। बोले श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी भगवान की 26 अवतार को वर्णन करते करते बोले ये कृष्ण भी एक अवतार है। इतना बोल करके सुत गोस्वामी डर गए, बोले ये कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले अवतारी। अवतारी का मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, इसलिए कृष्णा ये 16 गुना पे परिपूर्ण ये भगवान कृष्ण है। इसलिए फिर उन्होंने कृष्णा के लिए एक अलग श्लोक उन्होंने बनाए। बोले एतचान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम
ये जितने मैंने अवतारों का नाम लिया है वो कृष्ण का अंश का अंश कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण यही पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, यही कृष्ण ही युग युग में। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि। हे अर्जुन, जब जब इस जगत में कोई दुख कष्ट पड़े मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ, धर्म को पालन करता हूँ और दुष्टों में संहार करता हूँ। इसलिए पूर्ण ब्रह्म भगवान केवल कृष्ण ही, ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, आप ये बताओ, जैसे हमारे अशोक गुरु जी कथा कर रहे हैं, कहाँ गए अशोक गुरु जी, जैसे इनके घर में कथा हो रही है, जैसे आप सबके पास में निमंत्रण दिए होंगे, भैया हमारे घर में भागवत कथा के सुनने के लिए, अगर किसका कोई छोटा मोटा कोई काम होगा, बिजनेस होगा, बोले हमारे पास में समय नहीं कथा सुनने, हम कथा भी नहीं आ सकते, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ सौनकादृश लोग प्रश्न करते हैं, बोले जो परीक्षित महाराज उन्होंने जो 7 दिन तक कथा सुनी वो कौन थे? बोले राजा चक्रवर्ती राजा, भारत का राजा नहीं, ये भारत के राजा नहीं, चक्रवर्ती मतलब ये पृथ्वी, पहले वो एक ही पृथ्वी था, पृथ्वी पहले दो ही नहीं था, बाद में उसको विभाजन करके ये 9 भाग हो गया, लेकिन पहले पृथ्वी एक था। इसलिए कहते जो ऑस्ट्रेलिया नाम सुनते है ना, कहते इसका नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों नाम पड़ा? बोले ये पांडवों का अस्त्रगार था, इसलिए उसका ऑस्ट्रेलिया। एक स्थान है पर्थ, आप नाम सुन रहे होंगे, अर्जुन का नाम पार्थ, उसका नाम से पर्थ है। एक वहां पर एक ब्रिजवीन है, ब्रिजवीन है, उसका नाम ब्रजवन है, ब्रिजवीन उसका नाम है। ऐसे ऐसे सब नाम वहाँ के सब के सब ऑस्ट्रेलिया में ये सब नाम है। इसलिए वहां पर एकदम स्थान एकदम मरुभूमि है, डिजर्ट है। बोले ऐसे क्यों हुआ? बोले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को, अभी जो एटम बम कहते हैं ना, कहते अर्जुन ने ये ब्रह्मास्त्र को परीक्षा किया था, ये ब्रह्मास्त्र से वो स्थान पूरा पूरा ये मरुभूमि बन गया, पूरा पूरा मस्को है, रसिया का मस्को। बोले मस्को का क्यों नाम पड़ा? कहते वहां ऋषस की मुनि की वहीं पर स्थान था, ऋषस की मुनि, जिसको भगवान राम की इसमें जो यज्ञ उन्होंने करवाया वशिष्ठ ला करके, कहते ऋषस की मुनि, कहते वो ऋषस की मुनि का स्थान था। इसलिए कहते जो पृथ्वी है, पहले ये पृथ्वी हमारी सबके सब एक ही पृथ्वी था, लेकिन बाद में धीरे 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 अलग हो गई। कहते उसी समय में पृथ्वी का संपूर्ण रूप में ये परीक्षित महाराज इसके ऊपर राज्यत्व कर रहे थे, पूरा परीक्षित महाराज राज्यत्व था। लेकिन सुतो गोस्वामी प्रश्न करते हैं, हम तो थोड़ी समय के लिए कथा में नहीं आ पाते, लेकिन उन्होंने और एक जगह पर बैठ करके 7 दिन तक कथा क्यों सुनी? इसका क्या रहस्य है? ये भागवत में इसे क्या चीज थी? वो संपूर्ण पृथ्वी की राजत्व तो प्राप्त करते हुए भी वो साथ साथ क्यों कथा सुने उन्होंने? कहते श्री सुखदेव गोस्वामी वो ऐसे जैसे ऋषि नहीं थे, वो एक स्थान पर एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगेगा उससे ज्यादा ये टिकने वाले संत नहीं थे। उन्होंने 16 साल तक कभी उन्होंने मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना, 7 दिन तक उन्होंने मुंह बंद ही नहीं किया, वो 7 दिन तो कंटिन्यू कथा कथा ही कथा ही कथा सुनाते रहे। इसलिए आप कृपा करके बताओ, श्री व्यास देव जी ने ये ग्रंथ को फिर क्यों बनाया? भागवत को किस लिए बनाए? जो पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके हमें सारी बात को बताओ। इसको सुन करके श्री सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने क्यों ये भागवत को उन्होंने रचना की, इसका रहस्य उन्होंने बताए। बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग बढ़ जाए व्यास पराशर तुद्धि दासव्याम कलया हरे। बोले ये जो व्यास देव थे, ये भगवान की ये सत्याविश अवतार ठाकुर जी, जब उन्होंने प्रकट हुए उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में धीरे धीरे लोगों का जो बुद्धि ह्रास होती जाएगी बढ़ेगी, क्योंकि पहले जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे तो जाते थे,
लेकिन कोई पुस्तक की जरूरत नहीं होती थी, इतने इंटेलिजेंट होते थे। उनको पूरा पूरा वेद, पूरा पूरा रामायण, पूरा पूरा महाभारत रटा दिया जाता था, इसलिए ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उन्होंने देखा है कलयुग आ रहे हैं और सबके सब चीजें हाइब्रिड से बनने वाले हैं और धीरे 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 बुद्धि सर्व ह्रास होते जाएगी, कोई ब्रह्मचर्य को कोई पालन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नियम था 25 साल तक कंपलसरी ये ब्रह्मचर्य पालन करना कंपलसरी था। गुरु गृह में जा करके रहते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, वो सारे ग्रंथ पढ़ते थे। लेकिन कलयुग में ये ब्रह्मचर्य रखा भी कोई नहीं करते। अब विशेष करके जब टीवी इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन निकल गया, अभी 12-13 साल का लड़की अभी माँ बन रही, इस माँ बन रही है, इसलिए उनको पता था ये कलयुग में ये ब्रह्मचर्य को कोई पालन करने करने वाले नहीं, बुद्धि धीरे 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 ह्रास होते जाएगी, स्मरण शक्ति इनकी नष्ट हो जाएगी। कल हम बता रहे थे ना कलयुग में परमायु तो 100 साल है, एक सुना हटा तो कितना रह जाएगा, वो 10 रह जाएगी। और सचमुच से आप देखना पहले पहले लोग जैसे हाइट होते थे, जैसे स्ट्रेंथ होता था, अभी धीरे 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 घटते जा रहे सबके सब। क्यों? खान पान में सबके सब मिलावट, सब खान पान में, फिर उल्टा सीधा चीज आ करके है। ये टीवी नहीं, इसको खोल कर बैठ जाओ, जितने सारे गलती चीजें टीवी से ही बैठ बैठ के सीखी। कहते अंग्रेजी हमारे भारत में 200 साल तक राजत्व की, हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये 15-20 साल में ये हमारी संस्कृति को ये टीवी तीनों मिट्टी में मिला दी, तीनों मिट्टी में मिला दी। आपको ज्यादा पता, हमसे ज्यादा आपको पता होगा, इतने मिट्टी में मिला दी। उस दिन बाद में ऐसे होगा शादी वादी नहीं रहेगी। आपको पता होगा भारत में अभी पहले बड़े बूढ़ों को जो डाइवोर्स नाम कोई सुने, अभी 50% डाइवोर्स, आप कोर्ट में जाओ यही केवल केस ही केस है। हम एक किसी भक्तों घर में जाते हैं, वो बहुत बड़े पैसे वाला भक्त है, उनको बेटी बहुत बड़ी हो गई, हमने सब बेटी को की शादी नहीं करते, पर वो गर्भवती। बोले बाबा हम क्या बताएंगे, हमारा परिवार का जब कथा हम सुनते ना, एक बेटी अगर एक महीना जाकर ससुर घर में रुक गई बहुत उठाते, वो कहती है बहुत बड़ी हमारे परिवार में, वो बहुत हाई भाई घर के। इसलिए देखना जितने ज्यादा पैसा वाले हैं ना, उनके घर में बच्चे लड़कियां उतना बिगड़ रही, वो नाइट क्लब में जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, मैया एक तरफ में, सब अलग अलग तरफ में जा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं बाबा हम तो डर के मारे बेटी को शादी नहीं देते हैं, इतने करोड़ों पैसा देकर शादी करेंगे, 2 दिन बाद में बेटी घर में आ गई। इसलिए व्यास देव जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से वो सब चीज को देखा, देख करके वेद पहले एक था, एक वेद को उन्होंने, फिर ऋग यजु श्याम और अथर्व, ये 4 वेद रूप में इनको प्रकाशित किया है। फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र रचना की, फिर उपनिषद रचना की, फिर उन्होंने 18 पुराण को रचना की। देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर उन्होंने पंचम वेद श्री भागवत ये महाभारत बनाए, जिसमें ये भगवत गीता है। लेकिन ये सब रचना करते हुए उनको शांति सुख मिली नहीं। एक दिन श्री व्यास देव जी, श्री नारद जी बिना बजाते बजाते वहां पर आए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा Thank you.
भगवान का एक नाम है ईश्वर, पर ईश्वर का डेफिनेशन भागवत में बताया, ईश्वर का मतलब है बल करतो अकर्तो अन्यथा कर्तुम जह सक्यते साव ईश्वर। इसका डेफिनेशन बताया, जो दिन को रात कर सकता है और रात को जो दिन कर सकता है। महाभारत देखे होंगे ना, जयद्रथ के बदरास में दिन को उन्होंने रात बना दिया, और मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं। हम जाकर के द्वारका लीला में सुनेंगे, भगवान जब शांति बनी ऋषि के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगे, बोले मेरे मरा हुआ बेटे को वापस दो। ठाकुर जी जमपुरी में गए और मरे हुए बेटे को उन्हें ठाकुर वापस लेकर के आए। जब माता देवकी को पता चला, मेरा बेटा थे गुरु दक्षिणा रूप में मरे हुए बेटे जमपुर जिला, बोले बेटा मेरा भी छह बच्चे कंस ने मार डाला, मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है बेटे को देखने के लिए, मेरे बेटे को एक बार ले आ। फिर ठाकुर जी फिर जौनपुर में छह बेटे वापस ले आए। द्वारका में जो प्रभु लीला कर रहे थे, एक ब्राह्मण का बच्चा मरता था, शरीर नहीं रहता था, मर जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण जा करके उनको जितने बेटे मरे हुए थे महाकालपुर पर गए, नारायण के पास से वापस उन्होंने मरे हुए बेटे को लाए। इसलिए भगवान अगर भाग्य रेखा कहीं उल्टा पुलटा होना, बस केवल ठाकुर जी थोड़ी सी इच्छा करें, सब ठाकुर जी सब बदला देंगे। उल्टा पुलटा होना, देखो जैसे हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, ज्योतिष प्रतिष इधर उधर का, बल्कि ज्योतिष इधर उधर बोल करके, बोले ये पत्थर को पहनो, ये अंगूठी पहनो, इतना हजार सब निकाल लेगा। इसलिए ये बिना पैसा का उपाय बता रहा हूँ, केवल घर में आप बैठ जा, ठाकुर के सामने बैठ जाओ, बैठ करके केवल ताली बजा कर दिया भगवान का थोड़ा नाम जब तक। आप देखना जितने तुम्हारी दुख कष्ट है, जितने तुम्हारी दुख कष्ट है, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। आप स्वयं परिख कर देंगे, जो दुख आप दूर नहीं कर सकते हो दूर, ठाकुर जी स्वयं दूर कर देंगे, भाग्य रेखा बदली जाएगी। हम ताली कब बजाते हैं, किसकी स्वागत है यहाँ पर, ताली किसकी स्वागत में बजा रहे भगवान की। इसलिए भाग्य रेखा अगर उल्टा पुलटा हो ना, मैंने बताया था ना माताओं के लिए उल्टा हाथ का ये रेखा, आप लोग देख लो, ये यही भाग्य रेखा है माताओं के लिए, और भाइयों के लिए ये जो रेखा है ना, ये भाग्य रेखा आप अपने आप देख सकते हो, अपने आप देख सकते हो, ये रेखा जिसकी जितने बढ़िया होगी आप देखना, उतना ही संसार आप फलते फूलते रहोगे, उतना ही फलते फूलते रहोगे, यही रेखा भाग्य रेखा इसको कहते हैं। और देखो देखो ये लाइन, ये लाइन को अगर क्रश कर गया ऊपर लाइन को, अगर ऊपर में त्रिशूल अगर हो गया, त्रिशूल भाग्य रेखा, फिर तीन दुनिया में तुम्हारी जीत का, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप है। इसलिए आप लोग कीर्तन करने से ताली बजाने से पहले देखो और ताली बजाने के बाद देखो, ठीक है। बोले हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि
राधे 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 नारद जी आए, बोले व्यास देव लगता है तो दुखी हो। बोले गुरु जी आप सही बता रहे हो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ रचना की, लेकिन अंदर से लगता है कुछ कमी मेरे अंदर है। गुरु जी मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कृपा करके बताओ। बोले देखो, बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में जितने जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया, तुमने भगवान की जो भक्ति को विषय पर तुमने उतना नहीं बताया, क्योंकि जीव की कल्याण तभी होगी जब जीव भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भजन करेगा। लेकिन तुमने तो बता दिया कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान पुण्य करो, हैं, कैसे स्वर्ग में जाओ, लेकिन तुमने ये जितने धर्म बताए ना, वो एक दिन ये सब के सब नष्ट होने वाला धर्म है। ये आत्मा को शांति देने वाला धर्म तो केवल भगवान की भक्ति है। और तुमने क्या बताया, आप लोग इधर देखो, अब सब उधर देखो। इसलिए बोले भगवान की भक्ति से ही जीव के कल्याण होने वाले, लेकिन तुमने क्या बता दिए। बोले देखो, ये बचपन से क्या भक्ति कर रहे हो, बोले बचपन से क्या भक्ति करते हो। इसलिए संसार करते करते हैं, जब संसार करते करते वो रिटायर्ड लाइफ हो जाएगी ना, थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति कर लेनी हो। अभी से क्या भगवान की भक्ति करते हो। तो देखो, हम कभी कभी कहते हैं, अगर किसको बोले भक्ति करने के लिए ना, बोले देखो अभी संसार का कुछ काम अभी बाकी हमारी है, ये सारे काम जब निपटा देंगे ना, तब भगवान की भक्ति करेंगे। बोले भैया काम कभी नहीं निपटेगा, तुम निपट जाओ, तो स्वयं निपट जाओगे, लेकिन ये काम कभी निपटने वाले नहीं, ये काम कभी नहीं निपटेगा, निपटेगा तुम तो निपट जाओगे, हैं? इसलिए भगवान की भक्ति कभी बचपन से ही भगवान की भक्ति हमें शुरू कर देनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं, बचपन से भक्ति करनी चाहिए। देखो ये एक पुराण की कथा है, अभी बच्चे को चुप करा पाता। इसलिए देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। कहते श्री नारद जी, इन्होंने इसी मरते जगत में आकर के देखा सबके सब दुखी, वैकुंठ में देखा सबके सब खाली पड़ा हुआ, कोई है नहीं। ठाकुर जी, ये दुनिया से कुछ लोग वैकुंठ में ले आओ ना, ये खाली वैकुंठ पड़ा हुआ, कोई आपके लिए चंदन घिसेगा, कोई माला बनाएगा, रोसी बनाएगा। बोले नारद जी, मैंने चौबीस बार अवतार लिया है, कोई भी ये संसार छोड़ कर आना नहीं चाहते। बोले प्रभु मेरे कोई विश्वास नहीं होगा, संसार में दुखी दुखी आना नहीं चाहते,
ठाकुर जी बोले तेरे ऊपर भी ये सारे दायित्व देता हूँ जो मिले प्रदीप में। ये बैकुंठ आना चाहते हैं सीधा बैकुंठ ले आओ, बैकुंठ खाली पड़ा हुआ पूरा खाली जो आना चाहे। नारद जी बोले आज ही ये बैकुंठ में भर दूंगा, ये बैकुंठ आज ही मैंने भर दूंगा। इतने में नारद जी आए, देखा एक किसान खेती कर रहे, जेठ महीना पसीना पसीना बह रहा था, बोले तो जरूर जाएगा, कितने कष्ट उठा रहा है। बोले भैया ठाकुर जी का निर्देश है जो जीव बैकुंठ में आना चाहे उनको ले आओ। बैकुंठ चलो गए, वहां पर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। बोला अपना रास्ता देखो, बोले बैकुंठ चलो, अभी मैं खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा, बच्चे संसार है, बोले बैकुंठ चलो, मेरे पास में कोई समय नहीं। थोड़ी दूर गए, देखा एक माता जी को बैठते हुए, बोले तो जरूर जाएगी। बोले माता जी बैकुंठ चलोगी? बोले बाबा अभी मैं रोटी बना करके आया हूँ, अभी जाकर सब्जी बनाऊंगी, सबको खिलाऊ। बोले बैकुंठ चलो, मेरे पास में कोई समय नहीं। अभी किसी को पूछना कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। बोले ठाकुर तो सही बता रहे थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। देखा 80 साल के वृद्धा लोग, देखा बोले ये तो जरूर जाएगा, क्यों बूढ़े हो गए ना, अपने सारे काम धाम सब खत्म हो गए। बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी ने आदेश दिया जितने जीव चाहते हैं इनको बैकुंठ में ले आओ। बैकुंठ चलोगे? बोले हाँ बैकुंठ तो चलूंगा, लेकिन केवल एक काम बाकी रह गई। बोले क्या काम बाकी रह गई? बोले बेटे का सगाई हो गई, अभी बेटे का शादी होने वाला, जब बेटा शादी कर लेगा ना फिर तो हम चलेंगे, फिर हम चलेंगे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण नाम क्या? बोले कैलाश। बोले बैकुंठ चलोगे? बोले सारे काम खत्म हो गए, केवल एक ही बाकी रह गई। बोले क्या? बोले बेटा का सगाई हो गई, अभी बेटा का शादी हो जाएगा, सीधा चलेगा। नारद जी देखा कोई तो जाने के लिए हाँ भरा नहीं, कम से कम एक व्यक्ति तो हाँ भरा। नारद जो पीछे पड़ गए उसको, कुछ दिन बाद में आए, बोले क्यों बेटा का शादी हो गया? बोले आपका आशीर्वाद से बढ़िया से शादी हो गई, घर में जो बहू आई ना बहुत अच्छी, बड़े सुशील आप बहू आई। बोले चलो वैकुंठ चलो। बोले देखो कहते जब पुत्र को जन्म देते हैं पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, लेकिन अगर नाती पोते को देखा ना भाई, मैंने सुना स्वर्ग होता है। अभी बहू गर्भवती, कुछ दिन में एक बच्चा जन्म देने वाला, केवल बस बच्चा का मुंह देखूंगा और सीधा वैकुंठ चलूंगा, सारे काम खत्म हो गए। नारद जी सोचे पहले उतरा था शादी हो जाए चलूंगा, बोल तभी नाती पोते का मुंह देख करके चलूंगा, बोले तभी तो हाँ भरा है। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, देखा वो कैलाश है ही नहीं। बोले बेटा पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी को तो स्वर्गवास हो गए। बोले हे भगवान, इतने कष्ट से एक चेला बनने वाला था वो चेला भी सिधार गया। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवर तम तम एव कौन्तेय सदा सद्भाव भागे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अंतिम समय में जैसे चिंतन करते करते प्राणी मरता है उसको ठीक वैसे ही जन्म लेता है। ये तो संसार में बड़ा असत्य था, ये कहीं नहीं गया, अभी घर में किसी ना किसी रूप में जन्म लिया। ध्यान लगाया, देखा घर में कुत्ता बनकर आया है, वो घर में कुत्ता बनकर आया। नारद जी गए,
हाँ अब देखो इस बहुत इसमें बहुत ज्यादा सीखा है। नारद जी गए बोले क्यों कैलाश अभी तो भगवान की भक्ति करो, अभी तो तू कुत्ते बन गए। बोले गुरु जी क्या बताऊं, ये जितने की जमीन जायदाद ये सब देख रहे ना, मैंने कष्ट करके कमाया, मेरे को पता कितने कष्ट करके एक एक पैसा को जोड़ जोड़ कर, ये बच्चा इतने नालायक ये रात में सो जाता है, कौन क्या सामान उठा करके ले जाएगा उसको थोड़ी सी भी ध्यान नहीं, इसलिए रात भर में पहरा दारा भो भो करते करते पहरा दारा देता हूँ। बोले कब चलोगे, बोले बेटा थोड़ी सी होनहार बन जाए। नारद जी कुछ दिन बाद में आकर कुत्ते भी मर जाता है। बोले तेरे पिताजी कहाँ, बोले इतने बढ़िया कुत्ते थे घर में किसी को भी घुसने नहीं देता था, ये जो बाउंड्री ना एक व्यक्ति को घुसने नहीं देता था, क्यों उसने कमाया ना, उसको पता मैंने पैसा जोड़ जोड़ कमाया मैंने है, इसलिए देखना कुत्ते को भगा दो तभी घूम कर कोई आता है। बोले क्यों, बोले मेरे घर है मैंने इसको कमाया, और दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, जिसका भाग्य जैसे वहीं पर आती है। अभी हम मथुरा में रहते हैं, वहां पर एक अरब खरब तक व्यक्ति था, अरब खरब तक व्यक्ति, हम सही कथा सुना रहा हूँ मथुरा की। उसने स्वप्न दिया उसको बेटा मरने का, वो मरने का बाद बहुत मथुरा में सबसे ज्यादा पैसा वाला था, मरने का बाद तो अपना बेटे को स्वप्न आया, बेटा मैं अमुक जगह पर कुत्ता बना कर जन्मूंगा, बेटे को स्वप्न दिया उसने। फिर उसने जाकर के 20,000 रुपया दे करके वो कुत्ते को खरीद करके लेकर को फिर इसी घर में रखा। ये मथुरा की घटना है, हम मथुरा के, मतलब ये आसक्ति कितने जोर जबरदस्त थी। देखा कुत्ता भी मर गया होता है, बोले फिर कहाँ गया, वो घर से कहीं नहीं गया, फिर ध्यान लगा तो बैल बन कर आकर खेती करता है। बोले कैलाश अभी तो चलो, बोले गुरुदेव क्या बताऊं भाई, देखो ये जमीन जगह थे ना मैंने ही बनाया था, ये बेटा क्या करता है, थोड़ी तो जमीन को खेती करता और सब छोड़ देता है, इसलिए मेरे को जोर जबरदस्ती इसको लेकर खेती करवाना पड़ता है, क्योंकि कष्ट करके मैंने कमाया था, इसको क्या पता। बोले हे भगवान क्या आसक्ति है। बोले कब चलोगे, बोले बेटा थोड़ी सी समझदार बन जाए। कुछ दिन बाद में आता है, बैल भी मर गया होता है। बोले बैल कहाँ गया, बोले शरीर ही छोड़ दिए, बोले कहीं नहीं गया यही पर है। उन्हें ध्यान लगाया, अब पता होगा आपको पहले पहले क्या करते थे, कलसी को अंदर में ना सोने चांदी रख करके मिट्टी में गाड़ देते थे, किसको चोरी नहीं हो जाए, बाग बगीचा में गाड़ देते थे। लेकिन उसने बेटे को बताया नहीं था, लेकिन उसको याद है, उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को पास में फटकना नहीं देता है। देखो आप लोग सोचोगे अरे सब गप्पे हैं, मैं कल आपको एक न्यूज पेपर ला करके दिखाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले कथा करने के लिए गया था झारखंड, मैंने जब ये कथा को सुनाया एक व्यक्ति दूसरे दिन मेरे को न्यूज पेपर ला कर दिया, कल आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें बताया एक घर का भित्ति खनन कर रहे थे, फावड़ा से नीम खोद रहे थे, झन करके शब्द हुआ। बोले भैया आवाज कहां से आई, खोद करके देखा दो वहां पर पीतल की कलसी है, और उसका घर में सोने चांदी की मोहर है, और उसको ऊपर लिखा हुआ कोई एक राजा का नाम लिखा हुआ है, उसमें दो जहरीले सर्प वो कलसी के ऊपर में लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से कलसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतने में पुलिस में खबर चला गया, पुलिस आ गया जब्त कर लिया, वो दोनों सर्प को बोरी में भर करके 3 किलोमीटर दूर में छोड़ कर गया, देखा आधा घंटा में दो सर्प वहीं पर फिर घूम रहे, वो किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं छोड़ रहे। कल आपको मैं पेपर ला करके दिखाऊंगा दो कलसी और उसमें कैसे मोहर है, आप लोगों देखोगे। ये देखो ये गीता की श्लोक है, भगवान झूठ नहीं कभी नहीं बोलेंगे। ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती होता है, कैसे जन्म जन्मांतर जीव कैसे भटकता रहता है, हैं? अभी नारद जी ने देखा इसको पीछे तो मैंने 3 जन्म बिता दिया, अभी भी ये सही नहीं हो रहा है, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा। बोले उसको बेटे को बोला, देखो बेटा तेरे पिताजी एक कलसी में कुछ मोहर गाड़ कर गए, लेकिन तुमको बोल करके नहीं जा पाएगा, डंडा लेकर गया, देखना वो सांप को जान से नहीं मारना, उसको केवल कमर ही तोड़ देना। उसने तो बड़ा खुश हो गया, डंडा लाया और गया मारा वो सांप को, अब सब कमर टूट गई, सांप का कमर टूट जाए ना सांप तेरे भाग नहीं पाता है। बोले वहां फेंको और गड्ढे खोदो, खुदा तो सचमुच से एक कलसी में सोने की मोहर मिला। वो जो सर्प आग फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों, उसकी कमाया हुआ संपत्ति है। इतने बोले इसको तो ले जा। फिर नारद जी बोले क्यों कैलाश भजन करोगे, बोले गुरुदेव अभी भक्ति करो, इसको पीछे मैंने 3 जन्म में ले लिया और लास्ट में मेरी कमर भी तोड़ दिया उसने,
मेरी और कोई आसक्ति नहीं। फिर नारद जी मंत्र कूद करके पानी छिड़काव करवाया, अगले जीवन में इंसान बन करके आया, फिर भगवान के नाम दिया। और जो उसको लेकर गए ना ठाकुर जी, बोले नारद जी कितने व्यक्ति को बोल रहा था ना आज वैकुंठ भर दूंगा, कितने व्यक्ति को तू लेकर आया। बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे हो, ये संसार एक प्राण ये आसक्ति छोड़ना नहीं चाहता, इसके पीछे चार जन्म में इसको लेकर मैं आया हूँ। देखो अभी ध्यान देकर के सुनो, हम ऐसे क्या काम करें, हम भी आसक्ति ऐसे है कि नहीं, हम भी जमीनी जगह हम भी बनाते हैं, रुपया पैसा हम भी रख करके जाते हैं, ये सभी का घर का काम है, लेकिन ऐसे क्या काम है हम संसार में रहेंगे। पैसा में आसक्ति रहेगी, बच्चे में आसक्ति रहेगी, लेकिन आपकी बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे देखो, यहाँ पर कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, बोले जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस स्वीकंतया तद पुरुष बदरपण। कृष्ण कहते संसार में रहोगे लेकिन आसक्ति तुमको बांध नहीं सकती। बोले कैसे, बोले भगवान कहते हैं अपना घर को भगवान के मंदिर का स्वरूप, ये भगवान के मंदिर, ये हमारा घर नहीं, ये घर किसके हैं, ठाकुर ना हमारा ठाकुर जी का, लेकिन झूठा माया में हम पढ़ करके नहीं, हमारा पास में सारे कागज पत्र है ना, नहीं ऐसे कितने लोग गए यहाँ से मेरा मेरा कहते हुए, कोई साथ में लेकर गए नहीं, हाँ कोई साथ में लेकर नहीं गए थे, दिया ठाकुर जी की और ठाकुर जी की रहेगा, उनकी रहेगा, इसलिए घर किसने दिया, ठाकुर जी दिया, घर किसके हैं, ठाकुर जी के मंदिर मानो, खूब पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, लेकिन पैसा क्यों कमाओ, ये चीज को पहले लक्ष्य करो, अगर के हम खाएंगे बीवी खाएंगे बच्चे, यही माया है, फिर घोर बंधन का कारण बनेगा। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा का एक नाम लक्ष्मी है, पैसा क्या नाम है, लक्ष्मी, लक्ष्मी आपकी ना, लक्ष्मी नारायण की है, नारायण, अगर लक्ष्मी को हम सोचेंगे हम लक्ष्मी को भोग करेंगे, लक्ष्मी को हम भोग कर सकते हैं, लक्ष्मी को हम भोग नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी को, लक्ष्मी का तो भोग केवल भगवान ही इसको भोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था ना, आप बताओ उल्लू का वाहन कौन है, लक्ष्मी की वाहन कौन है, लक्ष्मी की वाहन कौन है, माता जी क्या सोच रहे हो, सारा दुनिया की चिंता तुम्हारी बढ़ रही है, आगे बैठे इधर सामने बैठे, अरे जो आएगा सामने बैठेंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो, उनको बैठने दो, उनको तुम चिंता मत करो, अब आप इधर बैठो और कथा सुनो, आप सामने बैठे ना, बता नहीं कोई आगे आने का जरूरत नहीं, वहीं बैठो, क्योंकि जो आएगा आगे बैठ जाएगा, कोई चिंता मत कर, आप सामने बैठती है ना, जब आप इधर उधर देखती हो ना हमारे मन में इधर उधर होता है, इसलिए अगर इधर उधर देखो ना पीछे बैठ जाना, प्रभु जी उधर, अपना चिंता करें, तुम अपना चिंता करें, आपसे ज्यादा समझदार है, ये अपना चिंता करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी, देखो भगवान क्या कहते हैं, इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा ठाकुर जी के, पैसा हमारी नहीं, इसलिए लक्ष्मी का वाहन कौन है, बोले उल्लू है, मतलब लक्ष्मी को देखना अकेला उल्लू के ऊपर अकेली बैठती है, मतलब क्या, अगर हम पैसा को लक्ष्मी को बुला रहे हैं, लेकिन क्यों बुला रहे हैं, बोला अपना भोग के लिए, हम पैसा कमाएंगे, हम खाएंगे, हम बीवी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी, फिर हमें उल्लू और घोर बंधन का कारण बनाएगी, और जैसे कैलाश भटक रहे थे ना, ऐसे भटकना पड़ेगा, नहीं पैसा नारायण की, उनकी ठाकुर का सेवा के लिए कमाओ, इसलिए लक्ष्मी के और एक वाहन है, एक तो उल्लू वाहन है और एक गरुड़ वाहन है, देखना गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती है और नारायण को साथ में बैठती है, मतलब है अगर पैसा को आप कमा रहे हो क्यों, बोले ठाकुर जी की सेवा में लगेगी, भगवान की सेवा में, फिर लक्ष्मी अकेली उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ों के ऊपर बैठ करके आई, गरुड़ कहाँ है, बोले वैकुंठ है, फिर हमारा घर नहीं, घर को वृंदावन वैकुंठ देगी, घर को वैकुंठ बना देगी लक्ष्मी, लेकिन अगर बोलेगा हम भोग के लिए, नहीं लक्ष्मी को भोग नहीं कर सकते हो, जिस घर में लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लगती है, जब खाना पीना घर में बनता है, पैसा से सारी चीज खरीद करते है कि नहीं, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग गया, ठाकुर को सामने रखो और एक तुलसी दल दे दो, ठाकुर जी को भोग लग गया,
लक्ष्मी कहाँ किसकी सेवा में लगी, नारायण की सेवा में। आप देखना वो घर में इतने शांति सुख आएगी, इतने शांति सुख जो सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं लगाया, स्वयं बनाया चट कर लिया, लक्ष्मी को तुम भोग कर सकते हो। देखना घर में पैसा तो आएगी लेकिन वो घर में शांति सुख नहीं आएगी। क्यों? लक्ष्मी को आप भोग करना चाहते हो। लक्ष्मी तुम्हारी भोग्या नहीं, लक्ष्मी नारायण की भोग्या है। इसलिए वो घर में भाई भाई में लड़ाई लगाएगी, बहू में मामला मकदमा केस बीमारी ऐसे दे देगी, सारे पैसा नहीं भूल जाएगी, वो सुख नहीं देगी। क्यों? वो पैसा को आप भोग करना चाह रहे हो, वो पैसा को आप भोग नहीं कर सकते, केवल भगवान इसको भोग कर सकते हैं। कितने चीज आप समझ जाओ, इसलिए एक चीज कथा से लेकर के जाओ, जो कुछ हम खाना बनाएंगे सबसे पहले ठाकुर जी को गोपाल जी को भोग लगा। आप इतना केवल काम करके देख लो करेंगे, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या, अगर प्याज लहसुन डालोगे भोग नहीं लगा सकते। इसलिए प्याज लहसुन हमें नहीं बनानी चाहिए। नवरात्रि रखते हो, प्याज लहसुन खाते हो ना दिन के, क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद है तभी तो नहीं खाते। इसलिए पुराण में कथा आती है, ये प्याज गैया की मां से सृष्टि हुई है, गैया की हड्डी से ये लहसुन बनाए। हम आगे कथा सुनेंगे। जब भगवान अमृत बांट रहे थे उसी समय में वो दैत्य आकर के अमृत पान किया, स्वर्भान दैत्य, भगवान से गला काट दी। जहां पर वो मांस खून गिरा वहीं से रख प्याज की पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन पौधा हुई। इसलिए अब अपना आप तो सब अग्रवाल परिवार है ना, अग्रवाल आप देखना, एक पीढ़ी पहले तुम्हारी सास ससुर भी ये चीज नहीं खाते हो, किसी घर में ये चीज प्रवेश नहीं करता था। आप लोगों को जो परिवार है धार्मिक परिवार है, आप लोगों को जो अग्रवाल परिवार है ना धार्मिक परिवार भक्ति के परिवार, आप देखना तुम्हारी माता जी के देखो, हर घर में पहले ठाकुर जी को भोग लगती थी, लड्डू गोपालों को भोग लगाया करते थे ना माता है सब, जितने सास अपना मैया को देखो, इसलिए घर में चीज कोई नहीं लाया करते थे। हमारे ब्रजमंडल में तो 84 ब्रजमंडल में इसकी प्रवेश वर्जित था, इसका अंदर में घुसना वर्जित था, क्योंकि पहले सबके सब हिंदू ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति रामायण गीता यही करते थे घर में। अब देख लो अब की माता जी को देख लो, इसलिए कम से कम ठाकुर जी के लिए इतना चीज को अब त्याग दे दो। अब त्याग दे करके केवल ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। देखो गीता का श्लोक है, बोले प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यः उपजायते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है, बोले प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसाद खाने से जीव का सब दुख उसकी समाप्त हो जाता है। कृष्ण खुद कहते हैं, आप इतनी सी काम करके देखो, आपका घर जो बच्चे है ना, आप भी, हम कहते हैं ना जैसे खाओगे अपना वैसे बने हमन। अगर भगवान की प्रसाद खाओगे देखना मन को कितने शांति मिलेगी, कितने सुख मिलेगी, आप स्वयं देखे ना। जैसे घर में रोज रोज बनती है खाना खाते हो, लेकिन घर में कोई त्योहार आ जाए, कोई अच्छे कोई फंक्शन आ जाए, जिस दिन ठाकुर को भोग लगता है, अब देखना रोज भी खाना खाते हो उसी दिन खाने खा कर देखना, उसमें एक अलग स्वाद आती है ना, अलग स्वाद। क्यों? ठाकुर जी को भोग लग गया। इसीलिए आप इतना कर दो और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल इतनी सी काम आप कर दो, आपका घर नहीं ये भगवान की धाम बन जाएगी। फिर आपकी कोई संसार की बंधन प्राप्ति नहीं होगी। घर में आप भी भजन करो, बच्चों को भी भजन कराओ, आप भी दो माला जप करो, बच्चों को भी बोलो देखो खाने से पहले कम से कम एक माला जप करके तो खाना खा। घर में इतना नियम बनाओ, जब हम बच्चे को 20,000 रुपया की 30,000 रुपया की स्मार्टफोन पकड़वा सकते हैं, क्या बच्चों को एक माला नहीं करवा सकते हैं? बच्चों को नहीं बोल सकते तो एक गीता की श्लोक पढ़ो। इसलिए जो पहला गुरु है ना, ये पिता माता हमारी, पहला गुरु पिता माता है, पहले बच्चे पिता माता से ही सीखेंगे। अगर हम भक्ति करेंगे, एक दो माला करेंगे, हम भी थोड़ी गीता रामायण पढ़ेंगे, बच्चों को भी बोल सकते बच्चे तू भी थोड़ा एक माला कर, एक माला जप कर। इसलिए पहला गुरु पिता माता, पिता माता से ही पहले वो सीखेंगे। इसलिए पहले पिता माता करे, फिर बच्चों को भी कोई आदर्श दे, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं व्यास देव, अगर जीवन में तुम शांति और सुख पाना चाहते हो, भागवत में ये भागवत ग्रंथ वर्णन ना करो, जिसमें भगवान की जो शुद्ध भक्ति है,
शुद्ध भक्ति की विवेचना किया करो है, और भगवान की जो शुद्ध भक्त और भगवान की कथा इसमें वर्णना करो, तभी तुमको जीवन में शांति और सुख मिलेगा। तब नारद जी बोले देखो मैं जीवन में इतना बड़ा साधु कैसे बने। फिर नारद जी अपना कथा सुनाते हैं कैसे गांव में कुछ साधु कैसे आते हैं। मैं किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई, मैया ने देखा अगर संतों की थोड़ा सेवा कर दूं मुझे भी खाना मिलेगा, मेरे बच्चों को भी खाना मिलेगा। इतने में मैं मैया संत की सेवा करती हूँ। अभी मैया जो करेगा तो हम बताए ना, पहला गुरु तो पिता माता है, पिता माता से ही बच्चों को संस्कार पढ़ती है। जब मैया ने संतों की सेवा, वो भी संतों की सेवा करने लग गए। संतों ने देखा भैया इतने छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा जब कीर्तन होता है इधर उधर खेलता नहीं, वो बैठ करके कीर्तन करता है। जब हम कथा करते हैं वो कथा सुनता है। अगर बच्चे को बोलो ना बेटा थोड़ा फूल ले आओ, ठाकुर को सेवा होगा, वो भागते भागते जाता है और फूल चयन करके ले आता है। कहते यद्यपि संत समदर्शी है लेकिन इनकी जो कृपा है मेरी ऊपर में पड़ी। बोले क्यों? बोले मेरे अंदर में ये सेवा की भावना को देख करके तभी इनकी कृपा मेरी ऊपर में इनकी कृपा हुई। अभी 4 महीना खत्म होते ही वो जाना शुरू कर दिए, तैयारी हो गई जाने के लिए। इतने में बोले भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, लेकिन मैं मैया का अकेला बेटा था, मैया हमें जाने नहीं दी। संत लोग जाते समय हमें एक मंत्र देकर गए, बोले बेटा ये मंत्र को जब जब फुर्सत मिले ये मंत्र को जप करते रहना। कुछ दिन बाद में मैया गई थी गोद दोहन करने के लिए, एक सर्प को पर प्यार पड़ते सर्प दंशन करनी। किसने कहा नारद जी तेरे मैया को तो सांप ने काट दी, दुख भी हुआ सुख भी हुआ, अभी देखा हमें कोई भी रोकने ठोकने वाले नहीं, अभी तो भक्ति करने के लिए जा सकता हूँ। जब जा रहे थे भगवान परीक्षा भी लेते, एक गांव में पहुंचे, दो सेठ सेठानी अथाह संपत्ति, कोई मालिक नहीं, सुंदर बच्चा देखा, बोले बेटा हमारे गोद में एक बार बैठ गया, हमें केवल एक बार पिता माता बोल दे सारी संपत्ति तुम मालिक बनाओ। बोले कि बैठूंगा तो ठाकुर का गोद में बैठूंगा और किसकी गोद में मैं नहीं बैठूंगा। आगे गए एक राजा में, राज्य में राजा ने हाथी सोने की कल से लेकर घूम रहा था, जिसको सर पर पानी डालेगा वही बनेगा राजा, और इसकी सर पर डाल दी। बोले भैया हमारा देश का राजा मिल गया, राजा मिल गया। बोले उसका मोह मैंने त्याग की, कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आगे गया सोने की खान देखी, उसकी मोह भी मैंने त्याग दी। घोर जंगल में प्रवेश किया, सुंदर सरोवर में स्नान करके पेट भर करके पानी पिया और संतों का दिया हुआ मंत्र को हमने जप किया। जप करते 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 मन जब संपूर्ण निर्मल हो गया, एकदम शुद्ध हो गया, इतने में भगवान की एक झलक मुझे दर्शन मिला। भगवान के दर्शन में इतने आनंद, इतने शांति, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी इतना आनंद नहीं, ठाकुर का दर्शन में जितने आनंद है। ठाकुर को दर्शन करते हुए आंखों में आंसुओं की झरी बहने लग गई। इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, जैसे मानो किसी मछली को पानी से निकाल करके बाहर रख दो, जैसे वो छटपटाती है मैं भी ऐसे छटपटा दे रहा। आकाशवाणी हुई, बोले बेटा नारद तुम्हारी अंदर में कुछ कमी है, इसी जीवन में मेरे दर्शन नहीं अगले जीवन में मेरे दर्शन मिलेगा। फिर मैंने ब्रह्मा का मानस पुत्र रूप में जन्म लिया, गिरिराज तलेट में एक नारद कुंड है, वहीं पर मैंने भजन की, भगवान रासो में श्री जुगल सरकार के दर्शन, राधा रानी कृपा करके अपना प्रसाद बिना दी। जब जब मैंने ये बिना बजाता हूँ भगवान वैकुंठ से दौड़ दौड़ करके आते हैं और मुझे दर्शन देते हैं। जहां चाहता हूँ ये मान जितने तेजी से गमन करती है, जैसे यहाँ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ झट स्वर्ग पहुंच जाता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ केवल मन जितने जल्दी तेज करे तेज गति में चलती है, मेरे शरीर भी ऐसे चलती है। फिर तो सर्वत्र ठाकुर का नाम लेता हूँ और ठाकुर जी की कीर्तन करते हुए भ्रमण करता हूँ और सबको मैं भगवान की भक्ति को बदल सकता हूँ। इसलिए हे व्यास देव, कहते साधुओं को सेवा को द्वारा ही मेरे को इतने जल्दी से जल्दी भक्ति मिली, केवल एक कारण से, केवल साधु की सेवा करते करते और भगवान की भक्ति से ही मन को शांति मिलती। इसलिए तुम ये भागवत ग्रंथ बनाओ जिसमें शुद्ध भक्त और भगवान की चरित्र को वर्णना करो, तुमको शांति मिलेगी। नारद जी इतने बोल करके चले जाते हैं। फिर व्यास देव जी फिर ये भागवत ग्रंथ को व्यास देव वर्णना करते हैं।
श्रीमद भागवत कथा मृता की जय जय श्री राम।